Good morning, students. Today we'll discuss next topic, integral of non-negative measurable functions. In last lectures, we have discussed some properties. Yes, उसमें जो हमने discuss किया था, वो हमने properties किसकी discuss की थी? Bounded measurable functions की. और यहाँ हम जो consider कर रहे हैं, वो क्या consider कर रहे हैं? Non-negative measurable functions. Properties वही मिलती जुलती, लेकिन उसका proof different है. क्योंकि यहाँ जो है वो जो सीक्वेंस हमें गिवन हुई जो फंक्शन गिवन होगा वो कैसा होगा नॉन नेगेटिव मेजरेबल होगा. तो इसके लिए एक डेफिनेशन देखो. लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट ई एंड एच बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन. एफ हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है और एच हमारा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है. सच दैट मेजर ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस एक्स वेयर एच इज नॉट इक्वल टू जीरो इज फाइनाइट. मींस उस सेट का मेजर जहां एच नॉन जीरो है उस सेट का मेजर क्या है फाइनाइट है. देन वी डिफाइन तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एफ. एफ फंक्शन कैसा है हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन. एच कैसा है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन. और अगर हम निबेक इंटीग्रल की बात करते हैं तो वो किसका एग्जिस्ट करता है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन का है ना. तो अब हम एफ के लिए तो डायरेक्ट इंटीग्रल वर्ड हम निबेक इंटीग्रल से अटैच नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू supremum of integration of h over e where h is less than equal to one. ठीक है कि supremum किसका integration of h where h is less than equal to f. इसका supremum किसके equal होगा integration of f के equal होगा. ये आप result ध्यान रखना है. इस result का use करेंगे हम. चलो हम discuss करते हैं properties of non-negative measurable functions. Let f and g be non-negative measurable functions defined on set e. f और g जो है अब कैसे हैं नॉन नेगेटिव है मेजरेबल फंक्शंस है इनको डिफाइन है. प्रॉपर्टी फर्स्ट वही है इंटीग्रेशन सी एफ इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन एफ. लेकिन वहां सी जो था आपका कोई भी कंस्टेंट था मींस जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था. लेकिन यहां कंडीशन है कि यहां सी जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है अगर सी जीरो है देन नथिंग टू प्रूव. तो हम क्या ले लेते हैं लेट सी इज ग्रेटर देन जीरो. लेट एच बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन. हमने ले लिया एच एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है. Such that measure of set of all those x where h is not equal to zero is finite. अब यहाँ हम हर क्वेश्चन में इस टाइप का बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइन करके चलेंगे लेके चलेंगे कि कोई भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन जिसका मेजर उस सेट का जहाँ h नॉन जीरो है क्या है फाइनाइट है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ f फॉर्म कैसे लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ h वेयर h इज लेस देन इक्वल टू f. ठीक है अब हमें बात करनी है सी एफ की. तो सी एफ के लिए हमें सी एच बनाना पड़ेगा. Then CH is also a bounded measurable function. अगर H bounded measurable है और इसको किसी constant C finite constant से multiply करेंगे तो वो भी कैसा रहेगा bounded measurable function. Now integration of CF. हमें यही बात करनी है integration of CF की. This is equal to supremum of integration of CH where CH is less than equal to CF. ये by definition क्योंकि integration of F की ये definition हमने define की थी. तो F की जगह अगर हम CF की बात करें तो CH के लिए यही definition चल जाएगी आपकी. And this is equal to supremum of C integration H where H is less than equal to F. ठीक है क्योंकि यहाँ C को हम integration से बाहर ले आए तो integration तो सिर्फ H का रह गया. अगर integration H का रह गया तो condition भी H पे ही चलनी चाहिए. और क्योंकि C आपका positive था तो condition तो यही रहेगी. Means positive में तो inequality का sign change नहीं होता. Means H is less than equal to F. क्योंकि C positive है तो supremum से as it is बाहर आ जाएगा. C supremum of integration of H. और supremum of integration of H by definition क्या है integration of F. तो ये क्या आ गया C integration of F. अब आप यहाँ बता सकते हो कि हमने C greater than zero ही क्यों consider किया less than zero क्यों नहीं consider किया. क्योंकि यहाँ हमारे पास जो definition है जो result है वो सिर्फ supremum में है integrum में नहीं है. पीछे तो function आपका Lebesgue integrable था तो integration of F जो है वो supremum के भी equal था और infimum. हम कोई भी definition use कर सकते हैं दोनों में से. लेकिन यहाँ सिर्फ हम एक ही डेफिनेशन यूज करते हैं सुप्रीमम वाले. तो इसलिए यहाँ कंडीशन भी एक जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो. ठीक है क्योंकि अगर वो नेगेटिव होता सी नेगेटिव होता और जब सी जो है वो बाहर आता सुप्रीमम से तो वो इंटीग्रल में चेंज हो जाना था और इंटीग्रल के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है. ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी. प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो फंक्शंस गिवन है वो किस टाइप के फंक्शंस गिवन है. बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो मैं बोला प्रूफ कर दूं मैंने भी कर चुके हैं. नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो ये वाला. ठीक है अब देखो एफ एक एफ की प्रूफ करने हमने बाउंडेड मेजरेबल
function लेना है, एक g के corresponding लेना है. हमने ले लिया like h and k, ये two bounded measurable functions. ठीक है, so that measure of set of all those x for which h of x is not equal to zero is finite, और ऐसे similarly k के लिए भी होगा. अब जो h है वो f के लिए hold कर रहा है, तो h is less than equal to f and k is less than equal to g. अब जो हमें function बनाना है वो f plus g के लिए बनाना है, तो क्या ले लिए, h plus k लिए. h plus k is also a bounded measurable function such that h less than equal to f है, k less than equal to g है, तो दोनों का sum h plus k क्या होगा, less than equal to f plus g होगा. ठीक है, definition में आता है integration of f plus g क्या हो जाएगा, supremum of integration of h plus k where supremum is taken over h plus k is less than equal to f plus g. Now this supremum is supremum है तो हर integral से क्या होगा, greater than equal to होगा. क्योंकि h और k हम bounded measurable function और bounded measurable function के लिए हम ये result already proof कर चुके हैं कि हम integration को separate कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं integration of h plus integration of k हम लिख सकते हैं. तो क्या आ गया हमारे पास, integration of h plus integration of k is less than equal to integration of f plus g आ गया. ठीक है, अब ये integration of h plus integration of k हर integral जो है वो इससे less चलता है, means इसका supremum अगर हम ले लेते हैं तो वो भी क्या होगा, इससे less होगा. supremum of integration of h, लेकिन कौन से h, जहां h less than equal to f है, ऐसे ही कौन से k जहां k less than equal to g है. फर्स्ट इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ f, सेकंड क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ g. क्लियर हो गया. अब सेकंड हमें क्या दिखानी है, रिवर्स इनइक्वालिटी. रिवर्स इनइक्वालिटी के लिए वहां तो हमने डेफिनेशन सुप्रीमम की जगह क्यों यूज हो गई थी, यहां देखो हम क्या कर रहे हैं. टू प्रूव द रिवर्स इनइक्वालिटी लेट lx बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन such that matter of set of all those x where l is equal to 0 is finite and l is less than equal to f plus g. Means yahan jo humne f by bounded measurable function liya hai, lekin yahan jo humne n function liya hai wo f plus g ke liye liya hai. Jaise piche humne h f ke liye liya tha, k g ke liye tha, fir un dono ka sum karke humne f plus g ke liye banaya tha. Aise yahan hum reverse kaam kar rahe hain, yahan jo humne function n liya hai wo f plus g ke liye liya hai. Ab hum is function n ko break karenge, एक पार्ट उसका f के लिए काम करेगा और दूसरा पार्ट उसका g के लिए. तो नाउ लेट अस डिफाइन फंक्शंस h एंड k सच दैट, कैसे डिफाइन किए, hx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx एंड lx. h हमने क्या ले लिया, f और l का मिनिमम ले लिया, और k क्या ले लिया, l में से h को सबट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, k. अभी तो l आ जाएगा ना, h और k का सम. देन क्लियरली hx इज लेस देन इक्वल टू fx बिकॉज़ hx इज मिनिमम ऑफ fx एंड lx. मिनिमम है तो लेस देन इक्वल टू fx होगा. ठीक है, तो मतलब h तो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, लेस देन इक्वल टू fx हो गया. अब हमें क्या दिखाना है, kx दिखाना है लेस देन इक्वल टू g of x. इफ hx हम क्या कह रहे हैं, लेस देन इक्वल टू fx है, तो मींस दोनों पॉसिबिलिटी है, लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है. अगर h इक्वल हो गया f के, तो k क्या हो जाएगा हमारा, l माइनस f हो जाएगा, h की जगह हमने f रख दिया, और l माइनस f क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू g हो गया. यहां से आ गया l माइनस f लेस देन इक्वल टू g, तो kx क्या हो गया, less than equal to gx. clear है इतना. now if अगर hx क्या हुआ, less than fx हुआ. अगर h f से less हुआ, इसका मतलब इन दोनों का minimum है, इसका मतलब क्या आएगा, lx आ जाएगा. अगर hx क्या हुआ, lx हुआ, तो hx की value क्या रख दूँ, lx, तो lx minus lx क्या हो गया, zero. तो kx क्या हो गया, zero. zero है तो फिर क्या हो गया, less than equal to gx. क्यों, क्योंकि gx का मतलब negative function था, तो zero से तो greater than equal था. तो kx क्या होगा, less than equal to gx. तो हमने पहले l function लिया दोनों के sum के लिए, f plus g के लिए, तो उसको हमने bifurcate कर दिया, h और k में, h f के लिए आ गया और k हमारा g के लिए आ गया. ठीक है, अब h और k जो है वो भी कहाँ vanish होंगे, वहां zero हो जाएंगे जहाँ l आपका क्या हो रहा है, zero हो रहा है. तो उस set का measure जहाँ hx non zero है finite, और similarly उस set का measure जहाँ kx non zero है वो भी क्या होगा, finite होगा. means हमने h और k दो functions बना लिए f और g के लिए. Thus h and k are bounded measurable functions such that h is less than equal to f and k is less than equal to g. result को summarize कर दिया. and measure of these two sets are finite. as l is equal to h plus k, l क्या था, दोनों का sum. अगर l equal है h plus k के, तो integration of l भी क्या होगा, equal to integration of h plus k होगा. और integration of h plus k को हम separate कर सकते हैं integration of h plus integration of k, क्योंकि h के क्या है, bounded measurable functions है. bounded measurable functions के लिए हम ये second property already कर चुके हैं. ठीक है,
अब इंटीग्रेशन ऑफ एच क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एच, एज ए इंटीग्रेशन ऑफ के इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के, कंडीशन क्या है एच लेस देन इक्वल टू एफ, के लेस देन इक्वल टू जी, ये क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ये क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ जी बन गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एल इज लेस देन इक्वल टू दिस, अब राइट हैंड साइड तो हमारी फिक्स हो चुकी है, अब चेंज किसको करना है इस एल को, और एल किसके कोरस्पॉन्डिंग काम कर रहा है एफ प्लस जी के, तो हर एल का इंटीग्रेशन जो लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी है सब क्या है लेस देन इक्वल टू दिस फिक्स नंबर, तो उन सबका सुप्रीमम, सारे लेस चल रहे हैं उनका सुप्रीमम भी क्या चलेगा लेस देन इक्वल टू, और उनका सुप्रीमम भी क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी बन गया, तो वन और टू को कंबाइन करो तो इक्वालिटी जो हमारी आउट हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज देख लो आप बिल्कुल सेम है, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू जी ऑन ई द इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी। चलो लेते हैं फंक्शन एच, फंक्शन लेते हैं एफ के लिए, तो आपको लिखना आ गया होगा कैसे लिखना है, एच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट मेजर ऑफ दिस सेट इज फाइनाइट एंड एच इज लेस देन इक्वल टू एफ। अब एच लेस देन इक्वल टू एफ है और एफ लेस देन इक्वल टू जी है, तो एच क्या होगा लेस देन इक्वल टू जी भी हो गया है ना ऑन ई। अब एच जो है वो दोनों के लिए काम करेगा, एफ के लिए भी और जी के लिए भी, क्योंकि एच दोनों से ही लेस चल रहा है, क्लियर है। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी क्या हो गया सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एच, वेयर एच इज लेस देन इक्वल टू जी, जो डेफिनेशन है हमारी। अब सुप्रीमम है तो हर इंटीग्रल से क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस क्या लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी। अब मैंने कहा था कि एच जो है एफ और जी दोनों के लिए काम करेगा, अब हमें यहाँ जरूरत है क्या दिखाने की इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी, तो अब हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ बना रहे हैं तो क्या ले लें सबका सुप्रीमम है ना, तो सुप्रीमम लेकिन कंडीशन क्या वेयर एच इज लेस देन इक्वल टू एफ, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, यहाँ लेस देन इक्वल टू जी है तो ये डेफिनेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ जी की, यहाँ सुप्रीमम के नीचे लेस देन इक्वल टू एफ लिखते हो तो डेफिनेशन बन जाती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ, आपको ये देखना है आप कहाँ कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एच जो है एफ और जी दोनों के लिए काम कर रहा है तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर मेजरेबल सेट्स such and f is non-negative function such that a contains b, then integration of f over a is greater than equal to integration of f over b. Since a contains b, so xi a is greater than equal to xi of b. F से multiply किया f xi a is greater than equal to f xi b. By above proved third property, अगर एक function दूसरे से greater है तो उसका integral भी क्या होगा उससे greater होगा। और इसको ζi of a को हम क्या लिख सकते हैं नीचे आ जाता है ना ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f over a is greater than equal to integration of f over b, पता है ना नीचे का हट के ζi बन जाता है और ये इंटीग्रल जब ζi हटता है तो वो मेजर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ f is less than equal to g almost everywhere on e then integration of f is less than equal to integration of g। डिफाइन किया h एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन such that measure of this set is finite and h is less than equal to f, और f क्या है हमारे पास लेस देन इक्वल टू g almost everywhere, तो h भी क्या हो गया लेस देन इक्वल टू g almost everywhere on e। अब हमने क्या किया जो e था इसको ब्रेक किया दो सेट्स में e1 और e2, e1 में वो पॉइंट्स लिए e के जहां h लेस देन इक्वल टू g है, क्योंकि almost everywhere रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो इसके छह से पॉइंट्स है जहां रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है, और e2 हमने वो सेट ले लिया जहां h greater than g है, तो क्योंकि h less than equal to g almost everywhere तो उस सेट का मेजर जीरो होगा जहां ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, कहां होल्ड नहीं कर रही e2 पर, तो e2 का मेजर क्या हो गया जीरो हो गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ g ओवर e हमने कंसीडर किया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ओवर e1, अभी हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर एक सेट e1 कंटेंड है e में तो इंटीग्रेशन ओवर सेट e1 less than equal to integration over set e2 होगा, है ना, वही रिजल्ट हमने यहां यूज किया। अब इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई वन क्या डेफिनेशन हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ जी का मतलब सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एच वेयर एच इज लेस देन इक्वल टू जी, क्योंकि ई वन के लिए रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ही होल्ड कर, ई वन पे तो हर जगह हो गया ना रिजल्ट, क्योंकि एच लेस देन इक्वल टू जी था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन ई वन सेट पे तो एच लेस देन इक्वल टू जी ही है हर पॉइंट पर रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो हमें डेफिनेशन लगा सकते हैं सुप्रीमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई वन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ g ओवर e इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h ओवर e1 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h ओवर e, सो कैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ h ओवर e को हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ h ओवर e1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ h ओवर e2, क्योंकि e क्या है e1 यूनियन e2, क्योंकि e1 और यूनियन e2 डिसजॉइंट है तो यूनियन जो है वो सेपरेट हो जाएगी प्लस साइन के साथ, है ना, और हमने रिजल्ट यूज किया था
कि अगर जिस इंटीग्रेशन ओवर अ सेट ऑफ मेजर जीरो इज जीरो, यहाँ इंटीग्रेशन ओवर अ सेट ऑफ मेजर ई टू का मेजर जीरो है, तो इसका इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई टू तो क्या होता है जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई वन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई। तो मीन्स क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई। अब हमें तो यहाँ क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो क्या ले लो इन सबका सुप्रीम। ठीक है, एच लेस देन इक्वल टू एफ था ओन ई पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।